कब तक पिए तालाब का गंदा पानी, कब तक रहे अंधेरे में। अपनी मांगों को लेकर बस्ती वालों ने किया हाईवे पर जाम। खबर कराहल से है, जहां बड़े तालाब के पास रहने वाले शिव कॉलोनी बस्ती के महिला पुरुषों ने आज अब परेशान होकर शिवपुरी मुख्य हाईवे पर जाम लगा दिया है, जहां उन्होंने स्थानीय प्रशासन से लेकर भाजपा सरकार तक के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। पूरा मामला ये है कि शिव कॉलोनी बस्ती के निवासी इस समय बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लगभग 2 माह पहले डीपी फूक जाने के कारण बस्ती वाले तालाब और बारिश का पानी पीने को मजबूर थे। रात में सारी बस्ती अंधेरे में डूब जाती है, जिससे उन्हें सांप कीड़े कीटों का डर बना रहता है। उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं। बस्ती वाले इस समस्या को लेकर कई बार तहसील जनपद और बिजली विभाग को आवेदन देकर अवगत करा चुके हैं, मगर हर बार उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। अभी हाल ही में शनिवार को इस परेशानी को लेकर लोग कराहल एसडीएम से भी मिले थे, मगर एसडीएम ने उन्हें 2 दिन का आश्वासन दे दिया था, मगर 3 दिन बीत जाने के बाद भी उनका कोई काम नहीं हुआ है, जिसके चलते आज बस्ती की महिलाएं पुरुष और बच्चे तहसील के सामने सड़कों पर आ बैठे और हाईवे पर जाम कर दिया। ये जाम आधे घंटे तक लगा रहा, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी। कराहल पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने आक्रोशित लोगों को समझाने का हर संभव प्रयास किया, मगर भीड़ नहीं मानी। तब अंत में कराहल तहसीलदार आक्रोशित भीड़ से निकले और अपनी समस्या जानी। तत्काल बिजली विभाग के कर्मचारियों को मौके पर बुलवाया गया। तत्काल बस्ती में डीपी रखवाने की सख्ती चेतावनी कर्मचारियों को दे डाली, तब जाकर तहसीलदार के विश्वास पर गुस्साए लोग मानी और जाम हटा लिया गया। देखिए कराहल संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो आप पानी पीने का कहाँ से लेकर आए? आप पानी कहाँ से पी रही है? आपका क्या नाम है? कमला। क्या परेशानी है? जाम क्यों लगा रखा है सड़क पे? जाम लगा कोई सुनाई करते नहीं हमारी। क्या परेशानी है आपको? लाइट नहीं है अपने। कौन सी बस्ती में? बाबा तालाब आ रही है। अच्छा, लाइट नहीं है तो पानी वानी कहाँ से पी रहे हैं? पानी तालाब से कहाँ से? हम बीमार हो रहे हैं, मोड़ा मोड़ी। अच्छा, तालाब का पानी पी रहे हैं आप? तो क्या आपने आवेदन दिया पहले अधिकारियों को? दिया, 4-5 बार घर गए अधिकारी, काम नहीं हुआ, सुनाई नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा संजय, क्या परेशानी है? जाम क्यों लगा रखा है? हमने इसीलिए जाम लगाया, हमें कुछ ही दिनों से परेशानी आ रही है, 2 महीना हो गए आज हमारे लिए। क्या क्या परेशानी आ रही है? लाइट और पानी जल पीने का भी नहीं मिल रहा, तालाब में से पानी पी रहे हैं भर भर के। अच्छा, बारिश का पानी पी रहे हैं? बारिश के पानी और ओलेटी के भी पानी पी रहे हैं हम। तो आप अधिकारियों से मिलो, आपने जाम क्यों लगा रखा है? अधिकारी से मिले थे शनिवार रात और सोमवार की गई, और सोमवार को लाऊंगा। सोमवार भी निकल गया और आज मंगलवार भी हो गया, आज हम मंगलवार की देखेंगे आज। तो क्या आप ये जाम हटाएंगे नहीं? क्या हो जाए, रोड भी खोजना पड़े, रोड भी खोजना पड़े आज। अच्छा, जाम नहीं हटाओगे? जाम नहीं हटाएगा यार, टीवी कौन जाएगी इसके बाद में जाम हटाएगा? जाम नहीं हटाएगा जी। आप इस जाम में फंसे हुए हैं, क्या लग रहा है ये समस्या? क्या समस्या है भाई? ये लोकल कराल की जनता है, इनके अंधेरों में रह रहे हैं, इसलिए इनके आक्रोश है, इन्होंने जाम लगा दिया है, जो आम जन को भी समस्या हो रही है। तो क्या माने, ये कह रही है कि 5 दिन पहले भी आवेदन दिया था, काम नहीं हुआ, क्या कहते हो? क्या कैसा प्रशासन है ये जी? जिम्मेदार पदाधिकारियों को इनके मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और इसका निराकरण करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप भी इसी जाम में फंसे हैं? जी बिल्कुल, मेरी भी गाड़ी खड़ी है और मैं भी इसी जाम में फंसा हुआ हूँ। क्या अभी तक कोई अधिकारी आए यहाँ पर? अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया है और पता नहीं कब तक चलेगा, लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। सर, हमारे जो खम्भा सक गए नाम बताएंगे तुम, मजा नहीं। डीपी लगवा पहले, डीपी पहले, डीपी लगवा लेने के बाद में डीपी लगवा।